हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, वीडियो को एंड तक देखना। और कल वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कल मेरे पास कोई गेम प्ले था ही नहीं, इसलिए मैं एडिट ही नहीं कर पाया। लेकिन आज की इस वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर कर लेना। अब यहाँ पर इवेंट पर आया था, यहाँ पर मेरे को गन तो नहीं मिलता लेकिन मेरे पास जो चक्कू होता है ना उससे एक बंदे को मार देता है। यहाँ पर सामने एक बंदा होता है जो कि मेरे को मार देता है। अब यहाँ पर जैसे ही रिकॉल होकर आता हूँ ना तभी मेरे साथ और एक बंदा आया था। ये वाला बंदा अगर पहले देख लेता ना तो भाई मेरे को मार देता, क्योंकि ये वाला बंदा मेरे से पहले लैंडिंग किया था, इसके हाथ में गन पहले आ जाता। अब शायद से ये वाला बंदा नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ये वाला बंदा गाड़ी लेकर जाने का ट्राई करता है तो यहाँ पर मैं इजीली उतार देता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला बंदा को मारने के बाद इसके गाड़ी लेके ये वाला लोकेशन लूटने के लिए आया था, लेकिन तभी यहाँ पर सामने साइड से एक बंदा गाड़ी लेके आता है। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई स्कोप होता ना तो ये वाला बंदे को मार देता, लेकिन ये वाला बंदा अभी के लिए यहाँ से बच के चला गया। तो यहाँ पर मैं लूटने के बाद ना सीधा लास्ट जोन में ये वाला लोकेशन होल्ड करने के लिए आता हूँ। अब देखो भाई, जब भी मिलिट्री के साइड जोन बनता ना तो भाई यहाँ पर लूट का ज्यादा प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि इस साइड ना कोई ज्यादा घर नहीं होता। और इस साइड जो हॉर्डरॉप होता है ना, यहाँ पर जो मिलिट्री या नोवो में अगर जाओगे ना तो कोई भी बंदा कहीं भी कैंप करके आपको पेटी बना सकता है और माइनस लगा सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर नोवो या मिलिट्री में जाता नहीं, यहाँ पर आसपास जो घर होता ना वो लूटता हूँ। अब यहाँ पर जोन के अंदर आके ये वाला लोकेशन मैं होल्ड कर ही रहा था तभी सामने साइड से दो बंदा गाड़ी लेके आता, और मेरे को लगा था कि ये दोनों ना भाई क्लोज से आएगा, लेकिन ये क्लोज से आता ही नहीं, दूर से ही निकल जाता है। अब यहाँ पर मेरे को भी जोन के अंदर जाना होता है, इसलिए यहाँ पर मैं गाड़ी लेके ये वाला सैक होल्ड करने के लिए आगे था। यहाँ पर तभी सामने साइड दो तीन बंदे के फाइट हो जाता है। अब यहाँ पर सामने साइड दो तीन बंदे का फाइट तो हो रहा था जिसमें से मैंने एक बंदे को मार दिया था। यहाँ पर मेरे को जोन के अंदर भी जाना होता है, इसलिए मैं गाड़ी लेके पहले जोन के अंदर जाता हूँ। अब ये वाला जो लॉबी था ना बहुत अच्छा लॉबी तो लगा था, लेकिन ये वाला मैच में अच्छा खासा किल तो नहीं होता लेकिन अच्छा खासा प्लस मेरे को मिल जाता है। अब यहाँ पर जोन के अंदर मेरे को एक अच्छा खासा लोकेशन तो मिल गया था, लेकिन यहाँ पर सामने साइड ना एक बंदा आ गया था जो कि यहाँ पर मेरा गाड़ी देखने के बाद ना यहाँ पर सांप बन जाता है। अब यहाँ पर ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर 5 किल हो गए थे। यहाँ पर जोन के अंदर मेरे को जाना होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हो जाता है। अब यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ के ना यहाँ पर मैं फ्यूल भर रहा था, लेकिन जैसे मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे के साइड आ गया था। ये वाला बंदे के पास ग्रोजा था, लेवल 3 का हेलमेट बेस भी होता है। अब पहले वाला मैच में चिकन तो नहीं होता, लेकिन आज का जो सेकंड वाला गेम प्ले है ये मेरा सेकंड आईडी का गेम प्ले, और इसमें कोई कॉन्करर का टाइटल नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये वाला आईडी पर भी कॉन्करर लगाया जाए। और जो लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हो ना कि मैं अभी एस पे हूँ, क्राउन पे मेरा कॉन्करर होगा कि नहीं, तो तुम्हारे सामने ये वाला आईडी से मैं खेल रहा हूँ, और ये वाला जो आईडी का अभी टायर है ना भाई प्लैटिनम है।
अगर मैं प्लेटिनम से कॉन्करर लगा सकता हूँ तो भाई आप लोग भी क्राउन एस से इजी कॉन्करर लगा सकते हो। बस जो 6 घंटा हमें मिलेगा ना भाई वो अच्छे से खेलना, और मैं यही वाला जो आइडिया ना भाई इसमें पूरा मार के खेलने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मेरे को सामने साइड से फुटस्टेप आते हैं तो यहाँ पर मैं तुरंत फ्री फायर दिया था। ये वाला बंदे का जो हेड पड़ता है ना भाई, ग्रोजा का हेड तुम्हें पता होगा, 7 वाले कोई भी गन होगा ना भाई उसका डैमेज बहुत तगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो फाइट होगा ना भाई, ये वाला फाइट को देखो, अब यहाँ पर जैसे ही मैं गाड़ी लेकर स्क्वाड हाउस की साइड आता हूँ ना, तभी यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा तो डैमेज दिया था, लेकिन ये वाला बंदा ना थोड़ी सी जल्दीबाजी कर देता है। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर गाड़ी लेके और बंदा मैं ढूंढ ही रहा था, तभी सामने साइड मेरे को एक गाड़ी वाला बंदा दिखता है, और ये वाला बंदे को जो स्प्रे से उतारूंगा ना भाई, ये देख के अब लाइक जरूर से कर दोगे। अब ये वाला स्प्रे देखने के बाद आपने लाइक तो कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला बंदे को मारने के बाद ना यहाँ से गाड़ी लेके मैं जा रहा था, तभी यहाँ पर राइट साइड जो पहाड़ सा होता है ना, वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर पीपी बाइजन से एक बंदे को मारा था। अब यहाँ पर मैं आया था ये वाला बंदे से फाइट लेने के लिए, लेकिन ये वाला बंदा जो होता है ना पेड़ के अंदर यहाँ पर छुप गया था, इसको लगा होगा कि भाई मुझे दिखेगा ही नहीं। अब ये वाला जो गाड़ी है ना भाई, बहुत अच्छा गाड़ी तो है, लेकिन अगर कोई भी बंदा अगर पीछे के साइड से स्प्रे लेगा ना तो बहुत गंदा गोली भी चिपकता है। लेकिन जैसे ये वाला बंदा को मैं डैमेज देता हूँ ना, उसके बाद ये वाला बंदा का मैं पीछा करने के लिए गया था, लेकिन वो वाला बंदा ना वहाँ से निकल गया था। अब यहाँ पर मेरे गाड़ी के अंदर ज्यादा फ्यूल था नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं फ्यूल भरने के लिए आया था, यहाँ पर शॉपिंग भी करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर सामने एक बंदा होता जो कि यहाँ पर M24 से ना भाई मेरे गाड़ी का टायर पंचर करता है। अब यहाँ पर तो बंदा मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं स्कोप ओपन करके ये वाला बंदे को स्पॉट करने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन तभी ये वाला बंदा ना एक M24 से मेरे को हेडशॉट भी मारा था, यहाँ पर 1 HP कर दिया था। अब यहाँ पर मेरा हेलमेट वेस्ट पूरा डैमेज होता है, इसलिए यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर Level 3 का हेलमेट वेस्ट लेके ये वाला बंदे से फाइट लेने के लिए जाऊंगा। ये वाला बंदा थोड़ी सी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। अब ऐसा गलती ना भाई हमसे भी हो जाता है, हम भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ओपन में जाते हैं रश करने के, तो हमारी भी पेटी बनता। अगर ये वाला बंदा ऊपर के साइड से जंप नहीं करता तो शायद ये वाला बंदा मेरे को मार देता। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला आईडी का जो टायर है ना भाई प्लैटिनम है, इसलिए भाई इतना अच्छा है बंदा तो नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन रुक जाए, इसके बाद जो लॉबी लगेगा ना भाई उस लॉबी में जो बंदे मैं मारूंगा ना भाई वो देख के आपको मजा तो आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सोच रहा था कि ये वाला बंदे को पैन से मारूं। अब कुछ दिनों से ना भाई मेरा जो डिवाइस है ना भाई, इसको मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई किसी बंदे को मैं इतना ज्यादा डैमेज दे रहा हूँ, वो वाला बंदा मर ही नहीं रहा है। यहाँ पर ये वाला बंदे को देख लो, इसको पहले स्टार्टिंग में मैंने ग्रोजा से मारा था, फिर M4 से एक हेडशॉट भी मारा था, उसके बाद मैंने यहाँ पर पावर से भी ये वाला बंदे को डैमेज दिया था, तब भी ये वाला बंदा मरता नहीं, लेकिन लास्ट में ये वाला बंदे को ग्रोजा से मैं मार देता हूँ। अब ये वाला मैच में अच्छा खासा किल के साथ मेरे को चिकन भी मिल गया था, ये वाला मैच में कितना अच्छा खासा प्लस मेरे को मिलता है वो भी देख लो, और ये वाला जो आइडिया ना भाई अभी प्लैटिनम से, और प्लैटिनम से मैं कॉन्कर ये वाला आईडी भी कर दूंगा। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे जरूर से कर लेना।